तो आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पैरामीटराइज पाइपलाइन कैसे क्रिएट करते हैं। तो पाइपलाइन में पैरामीटर्स आपको पता होगा, मैं ज़्यादातर वीडियोस में इतने दिनों से हम लोग वीडियोस कवर कर रहे हैं डाटा फैक्ट्री में, तो आपको पता चल गया होगा कि अभी तक पैरामीटराइज कैसे करते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ पैरामीटराइज आप कैसे करेंगे। आप यहाँ पे कोई भी खाली जगह पे करेंगे पाइपलाइन में, तो आपको पाइपलाइन का पैरामीटर यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ जितना चाहें उतना पैरामीटर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई नीड अ इनपुट फोल्डर, ठीक है, इनपुट फोल्डर, और मैं यहाँ पे फाइल नेम भी मैं देना चाहता हूँ, तो इनपुट फाइल में डाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है, ये जो चीजें हैं मैं डाल दूंगा। और इसके बाद मैं कॉपी डेटा एक्टिविटी में सोर्स में थोड़ा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा खुलाफाती कर देता हूँ, न्यू सोर्स क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं ब्लॉब स्टोरेज डाल देता हूँ, मेरा ब्लॉब स्टोरेज है। ब्लॉब स्टोरेज के बाद ये क्या चूज है, डेलिमिटेड टेक्स्ट है। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा ना, ठीक है, इंस्टेड ऑफ लिंक सर्विसेज, इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग दिस, आई कैन, व्हाट कैन डू, आई कैन चूज अ कंटेनर ओनली। बाकी डायरेक्टरी में क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, कहाँ से, मैं एडवांस में जाऊँगा, ओपन द डाटा सेट, यहाँ पे मैं, यहाँ पे भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर्स में आउटपुट आपको पता होगा, आउटपुट सॉरी इनपुट फाइल डालना पड़ेगा मेरे को, इनपुट फोल्डर, और यहाँ पे फटाक से कर देता हूँ मैं इनपुट फाइल, ठीक है। देयर टू थिंग्स दैट आई एम पासिंग फ्रॉम दैट डेलिमिटेड टेक्स्ट। और मैं स्कीमा में जाऊंगा, सॉरी मैं कनेक्शन में जाऊंगा, यहाँ पे ऐड डायरेक्टरी में ऐड डायनेमिक कंटेंट में क्लिक करूंगा, इनपुट फोल्डर पे क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा। इस तरह से मैं फाइल में भी क्लिक करूंगा, इनपुट फाइल में क्लिक करूंगा, ओके कर दूंगा। दीस आर द टू थिंग्स दैट आई हैव टू डू। पाइपलाइन में वापस आऊंगा, यहाँ पे मेरा दो ऑप्शन दे रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इफ यू सी आई ऑलरेडी क्रिएटेड दीज थिंग्स, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इनपुट फोल्डर में डायनेमिक कंटेंट, ये इनपुट फोल्डर ले लेगा, साथ में मेरा ये यहाँ पे जाऊंगा इनपुट फाइल में जाऊंगा, इनपुट फाइल पे क्लिक करके अब मैं यहाँ पे इनपुट फाइल ले लूंगा। और उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, जब मैं डीबग करूंगा तो दीस मेटाडाटा एक्टिविटीज रिक्वायर्ड, ये थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं। डीबग में क्लिक करूंगा ना, तो आपको आउटपुट फोल्डर मांगेगा, इनपुट फोल्डर मांगेगा, इनपुट फाइल मांगेगा, ये सब चीज़ें आप डायनेमिक कर सकते हैं। रियल टाइम से मैं बताते आया हूँ कि आपका किसी लुकअप से होगा, लुकअप एक्टिविटी विच इज कमिंग फ्रॉम सिनैप्स और सिक्वल सर्वर, और वहाँ से डेटा कॉन्फ़िगरेशन होंगे और वहाँ से देख के फिर आपका डेटा आ जाएगा। आप डीबग रन में भी पास कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन आप किस तरह के सिनेरियो कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, इस वीडियो में जाना कि पाइपलाइन पैरामीटराइज कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपको दूसरे वीडियो में, टिल देन बाय।